सो बेसिकली अभी तुरंत से मतलब लाइक 30 मिनट पहले ऐसे मेरा मूड करा कि एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ है जो कि हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। हाँ मैंने कहा हर किसी को आना चाहिए, सो दैट कि वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पाए, है ना। लाइक मैं बात कर रहा हूँ डिज़ाइनिंग का, बिल्कुल। सो ये चीज़ आना चाहिए हर किसी को, सो दैट कि आप मतलब क्या है ना कि छोटे मोटे बैनर, पोस्टर, या फिर यूट्यूब में वीडियोस अगर बना रहे हो तो उसका थंबनेल, या फिर इंस्टाग्राम में स्टोरी बना किसी चीज़ का प्रमोशन के लिए अगर आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, या फिर कोई एड्स क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। अब ये हर फील्ड में ज़रूरी होता है, जैसे अगर आप मान लो कि कोचिंग चला रहे हो तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगा कदम कदम पे, कोई भी इवेंट वगैरह करवा रहे हो, कुछ भी है ना, तो आपको भी नीड पड़ रहा होगा, बिल्कुल। तो उसके बाद हो सकता है कि लाइक आप कोई कोर्स वगैरह प्रमोट करना चाहते हो तो फिर उसके लिए भी चाहिए होगा डेफिनेटली। पहले डिज़ाइन ही चाहिए होगा। आप कोई शॉप ओपन कर रहे हो तो उसके लिए भी चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका शॉप ऑलरेडी है, उसके लिए भी चाहिए होगा। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हो, उसका एडवर्टाइजमेंट करने हैं, तो डेफिनेटली उसका भी एक चाहोगे कि अच्छा खासा कुछ स्टोरी टाइप का, या फिर लाइक बैनर वैनर या कुछ भी ऐसा आप क्रिएट करना चाहोगे, है ना, बिल्कुल। तो बहुत काफ़ी लाइक कह सकते हो ना कि ढंग का चीज़ है। अगर आप प्रो लेवल का मतलब डिज़ाइनर हो, ठीक अगर आपको आता है, तो फ्रीलांसिंग करके एक अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। एग्जैक्टली, या मैं तो बोलता हूँ हर किसी को ये सीखना चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने बिजनेस के लिए किसी और को आप नहीं दे रहे होगे, है ना। लाइक नहीं चाहोगे कि क्योंकि किसी और से बनवाना लाइक आपको फिर बताना पड़ेगा कि मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए, दिस दिस दैट दैट दैट। बेटर है कि आप जो सोच रहे हो खुद ही ये कर लो, है ना, क्योंकि अपने आइडिया को किसी और को बताना, फिर वो करेगा, फिर उसमें आप चेंजेस करवाओगे, फिर वो एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा आपको। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। बिल्कुल, आप चाहोगे कि आप जो सोच रहे हो एग्जैक्टली उस चीज़ को डिज़ाइन करा जाए, और वो बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, है ना। चाहे इंस्टाग्राम में किसी चीज़ का स्टोरी लगाने हैं, होली आया तो लाइक उसी चीज़ का एक सपोज मान लो अपने कोचिंग का, या फिर अपने कंपनी का, या अपना कुछ भी ऐसा, राइट। एग्जैक्टली, आप रेस्टोरेंट अगर ओपन करके रखे हो, ठीक है, तो कोई मेन्यू वगैरह होंगे या कुछ भी होंगे ऐसे, कोई ऑफर वगैरह आपको लगाने हैं, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का जरूरत बहुत ज़बरदस्त है। और आज के टाइम पे तो स्टूडेंट लोग घर से ये सब चीज़ें काम करके ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं, सीन ये है। अब AI टूल्स भी बहुत सारे हैं, आपको उसको भी यूज़ करने आना चाहिए, है ना। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि चीज़ें कैसे करना है। तो मैं ना आज के पूरा सेशन में स्मार्टली चीज़ों को सिखाऊंगा, ये नहीं कि ट्यूटोरियल वाइज, जैसे नहीं होता है कि लाइक आज मैं ये बनाने सिखा रहा हूँ फिर आज ये बता रहा हूँ एक एक टूल के बारे में, नहीं बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा चीज़ों को स्मार्ट सीखना है ना, स्मार्ट तरीके से सीखना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका तरीका जो होता है पढ़ने या सीखने का, आपका लर्निंग वे बहुत स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं, स्मार्ट लर्निंग वे, राइट। एग्जैक्टली, नहीं तो आप पढ़ते रह जाओगे, भूलते रह जाओगे। तो ऐसा कुछ करो, आपका तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मजा आए, आपको लगेगा कि हाँ यार हम बना रहे हैं, हमने देखा बनते हुए, राइट। तो खुद को थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलेगा, और आप वैसा चीज़ें और बनाओगे, है ना, फिर उससे हाई लेवल का कुछ बनाओगे, फिर आपके दिमाग आएगा कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है क्या, फिर सर्च करोगे, और फिर ऐसे करते करते आप खतरनाक खतरनाक चीज़ें, एकदम सुंदर सुंदर चीज़ें बनाओगे, राइट। एग्जैक्टली, सो अभी का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप बस एंड तक टिके रहना पूरा इंटरेस्ट दे करके, ठीक है। बाकी मेरे पे छोड़ो, मैं सारा चीज़ अच्छी तरीके से सिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है, गुड। सो मैंने कहा कि बेसिकली डिज़ाइन की अगर बात करते हो ना, तो मैं तो बोलूँगा, सुनोगे ध्यान से, बहुत सारे टूल हैं। अब उसमें से एक टूल जो है वो है कैनवा, ठीक है, फोटोशॉप वगैरह भी बहुत सारे हैं, तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं ऐसा चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो हर कोई आराम से कर लेगा। मैं कैनवा की बात कर रहा हूँ, फिग्मा वगैरह भी है, अगर आपको लगता है कि आप कोई डेवलपर के लिए बनाना, जैसे मान लो कि ना कोई एप्लीकेशन जब बनता है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर देखो, कोई एंड्रॉयड ऐप बनता है ना, तो आपको क्या लगता है डाइट्स बनता है वो? बिल्कुल नहीं, उस एंड्रॉयड ऐप का एक एक स्क्रीन को पहले फिग्मा में डिज़ाइन करा जाता है, और वो दिया जाता है डेवलपर को, और हम डेवलपर को डिज़ाइन मिलता है, और हम उसके अकॉर्डिंग कोड करके एकदम सेम टू सेम चीज़ बनाते हैं, बात समझ गए? एग्जैक्टली, तो फिग्मा जैसे टूल है, उसमें आप वो चीज़ बना सकते हो। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फोटोशॉप वगैरह भी है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो बहुत जल्दी सीख जाओगे, बहुत आसान है, और चीज़ों का फटाफट से बनाने लग जाओगे, वो है कैनवा। ये बहुत हद तक फ्री भी है, और फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपको पेड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन मैं तो बोलता हूँ कि फ्री में जितना चीज़ें हैं ना, आप उसी में गजब की चीज़ें बना सकते हो, राइट। एग्जैक्टली, मतलब काफ़ी भयंकर भयंकर चीज़ें बना सकते हो। मैं तो अभी तक
मतलब नहीं किया, मतलब खरीदा नहीं हूँ सब्सक्रिप्शन, राइट। बट मैं मैक्सिमम चीजें जो डिजाइन करता हूँ वो यहीं पे करता हूँ, ऐप वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई भी प्रमोट करने के लिए कोई कोर्स को या फिर कोई हमने लोग या फिर कुछ भी ऐसा चीज, राइट। जल्दी लोग शेयर नहीं करते कि लाइक आप कहाँ पे बना रहे हो या कैसे बना रहे हो। मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं मैक्सिमम चीजें जो है मैं कैनवा बना रहा होता हूँ। बट हाँ, आपको डिजाइनिंग रूल आने चाहिए। अब कुछ लोग ना ऐसे लाइक फोन का, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी ना आप मेरे सेशन को अगर आप ज्वाइन करते हो, मेरा वेबिनार या कुछ भी ऐसा, तो आप अपना नाम लिख करके ज्वाइन करो, सो दैट कि मुझे आइडिया लगे कि कौन आप हो। अब कुछ लोग आलतू फालतू नाम से या ऐसे ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो मैं कैसे उनको इन करूँ, ठीक है। तो मैं उनको जा रहा हूँ रिमूव करने, और मैं मीटिंग को लॉक करने जा रहा हूँ, सो दैट कि अब कोई ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, राइट। स्टोरी यही है। तो मैंने कर दिया लॉक मीटिंग, चलो अभी कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा, राइट। हाँ सुनोगे, बीच में ज्वाइन करने से डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा, है ना। मैंने टाइम दिया है तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहोगे, राइट। एग्जैक्टली। तो मैंने क्या बोला ना कि लाइक अपना फ्री की चीज़ें भी यूज़ करके काफ़ी बढ़िया मतलब चीज़ें बना सकते हो, राइट। और मज़े की बात यह है कि आपको ये सीखने के लिए लैपटॉप होना ज़रूरी नहीं है, आप कोई सा भी नॉर्मल फ़ोन भी है तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हो, बिल्कुल। इसलिए मैं ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप फोन, लैपटॉप, कहीं भी टैब वैब कुछ में भी यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी कमाल का चीज़ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैनवा से आप क्या क्या बना सकते हो। तो सिर्फ पोस्टर वोस्टर की बात ही नहीं है, आप इसमें डॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। डॉक्यूमेंट या फिर आप पीडीएफ बना सकते हो इसमें, है ना। कोई चीज़ अगर है ऐसा लाइक लगता है रिज्यूमे वगैरह बनाने आपको, तो आप बना सकते हो इसमें भी, है ना। काफ़ी शानदार रिज्यूमे वगैरह आप इसमें बना सकते हो, काफ़ी मस्त एकदम फर्स्ट क्लास चीज़ है, ठीक है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ से पीडीएफ एक्सपोर्ट हो जाएंगे डायरेक्ट से। तो मैं तो काफ़ी सारा जो है चीज़ें मैं इसमें बनाता हूँ, बिल्कुल ये बात सच है। सो ये स्टोरी है। मैं कहा ना कि बहुत सारे लोग अपना सीक्रेट शेयर नहीं करते, लाइक कहाँ पे बना रहे हैं, कहाँ से डिज़ाइन कर रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना आसान नहीं होगा, आपको थोड़ा सा चीज़ें सीखने पड़ेंगे, राइट। हाँ जी बिल्कुल, टाइम लगेंगे थोड़ा सा निखर के आने में आपका स्किल। तो आप इसमें पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो, है ना, कुछ एनिमेशन वैनिमेशन एनिमेटेड चीज़ें कुछ बना सकते हो, आप लोगो वगैरह बना सकते हो इसमें, है ना। मैंने कहा कुछ एनिमेटेड चीज़ें बना सकते हो, आप इसमें वीडियो भी एडिट कर सकते हो, बिल्कुल। आप इसमें स्टेटस वगैरह क्रिएट कर सकते हो, आप इसमें स्टोरी वगैरह क्रिएट कर सकते हो, है ना, पूरा वीडियो जैसा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, राइट। हाँ जी बिल्कुल। अब सिर्फ कैनवा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं कैसे चीज़ों को खेलता हूँ थोड़ा, ठीक है। वेल तो स्टार्ट करें सीखना, जल्दी से एक बार चैट में ओके लिखो फटाफट से, स्टार्ट करें ये सब सारा चीज़ सीखना। मैं सीधा एकदम एकदम ऐसा चीज़ सिखाऊंगा कि लाइक आप बनाने लग जाओगे सीधा, पास मारे गए, टॉपिक वाइज टॉपिक आते रहोगे, कभी खत्म नहीं होगा, फिर आप कभी बनाना स्टार्ट ही नहीं करोगे। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार सब लोग चैट में ओके लिखेंगे यदि आप रेडी हो तो चीज़ों को सीखने के लिए, बिल्कुल। मैंने कहा था ना कि जो चीज़ें मैं मतलब लाइक आप पेड करके सीखोगे, मैं फ्री में सिखा रहा हूँ और काफ़ी इफेक्टिव तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। आप देखो, बस पेड करने की जरूरत नहीं है। मेरा मूड अगर ऐसा लाइक कि कुछ भी फ्री में ऐसा दे देना है तो मैं आ जाता हूँ, ठीक है। गुड। तो ना सीन क्या है कि सबसे पहले आपको ये कैनवा इंस्टॉल करना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये कैनवा जो है, ये ऐप, इसको इंस्टॉल करना है। ये आपका डेस्कटॉप ऐप भी प्रेजेंट है, मैंने कहा ये डेस्कटॉप ऐप भी है, ये आपका एंड्रॉयड में भी है, एंड आई होप कि आईओएस में भी इसका होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो आप इसका डेस्कटॉप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप इसका एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन, देन सिंपली यू कैन गो विथ वेब एप्लीकेशन, राइट। एग्जैक्टली। सो वेब एप्लीकेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। आप जाओगे वेब एप्लीकेशन में और जाकर के वहाँ पे वेब ब्राउजर में जाकर के सर्च करना कैनवा, आप वहाँ पे सीधा यूज कर सकते हो, फोन से भी या फिर अपने लैपटॉप से भी या टैब से भी। तो जरूरी नहीं है कि आप लाइक डेस्कटॉप या फिर मतलब लाइक एंड्रॉयड ऐप आप इंस्टॉल ही करो, बट इंस्टॉल कर लोगे आप रेगुलर अगर यूज करते हो तो इंस्टॉल कर लो, बेटर होगा। तो मैंने तो इंस्टॉल करा हुआ है, आप भी फोन में इंस्टॉल कर लेना। मैंने फोन में भी इंस्टॉल करा हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ, मैंने फोन में भी इंस्टॉल किया हुआ, फोन में बनाता हूँ सारी चीज़ें, सोए सोए कभी खाते पीते, राइट बिल्कुल। मेरे माइंड में कुछ आता है ऐसे, मैं खा भी रहा होता हूँ तो मैं ऐसे फोन दे करके यार कुछ कुछ चलो बनाते हैं, कुछ सोच रहा होता हूँ तो उसको मैं बना रहा हूँ, समझ गया क्या। या सोते सोते कभी रेस्ट कर रहा होता हूँ तो लाइक मजा आता है मुझे, ठीक है, आपको भी आना चाहिए। वैसे बेकार का आप टाइम पास कर रहे हो तो उससे अच्छा है कि बिल्कुल मैं किसी से चैट वैट भी कर रहा होता हूँ तो मैं साथ साथ में थोड़ा सा लाइक, अगर समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, लगा कि यार थोड़ा ठीक ठाक है, चलो देखते हैं इसको आज बना करके। तो मैं किसी से बातें करते करते भी लाइक बना रहा होता हूँ सब चीज़, ठीक है। तो आप कर सकते हो ऐसे, हाँ मतलब लाइक आप अगर मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हो फिर आप देख लेना, राइट। अदरवाइज
फोकस होकर के थोड़ा सा लाइक आधा घंटा कभी रेस्ट कर रहे हो आप, खा रहे हो या फिर सो रहे हो, करो उसको ठीक है। वेल तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अगर चाहो तो वेब ब्राउजर पे जाना और जाकर के यहाँ पे सर्च करोगे ना सिंपली कैनवा, तो आप क्रोम पे जाकर के सर्च करना ठीक है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है अगर नहीं चाहते हो इंस्टॉल करना। सो आप ना यहाँ पे पहुंच जाओगे ऐसे लाइक इसका ऑफिशियल साइट पे। अब यहाँ पे ना लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा राइट, मैंने कहा यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। तो सीन क्या है ना कि आप इस पे लॉगिन विद गूगल करोगे, क्लिक करना और लॉगिन विद गूगल का एक ऑप्शन आएगा, और नहीं भी आएगा तो आप साइन अप कर लेना, साइन अप करने के बाद आप आराम से लॉगिन कर सकते हो ठीक है। बिल्कुल, तो लॉगिन कर लेना और लॉगिन करने के बाद, लॉगिन कर लेना और लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे चले जाओगे और कैसा आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। ठीक है, मेरे पास मल्टीपल लोगों का आईडी है ठीक है, हाँ किसी वजह से मैं बताऊंगा क्यों, तो जरूरी नहीं बताना ठीक है, बट है बहुत सारे आईडी मेरे पास, कुछ क्लाइंट्स के भी हैं, तो आप ऐड भी कर सकते हो इस पे, मैं दिखाऊंगा ठीक है। फिलहाल तो मैंने अपना ये से ईमेल से मैंने लॉगिन कर रखा है, आप देख सकते हो ठीक है, मेरा यहाँ पे पिक आ रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे पास 8-10 आईडी ऐसे कुछ हैं, कुछ क्लाइंट्स के हैं, कुछ ऐसे, तो नीड नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, सुनो बता रहा हूँ मैं क्या। जैसे ना एक ही प्रोजेक्ट है, आप इस पे कुछ काम कर रहे हो, आपने इसको क्रिएट कराया है ठीक है, आप ये हो, तो लाइक क्या है ना कि इसमें आप ना मल्टीपल लोगों को ऐसे ऐड कर सकते हो, मतलब इसमें इनवाइट कर सकते हो, तो एट द सेम टाइम ये भी कुछ एडिट कर पा रहे हो, आप देख रहे होगे लाइव चल रहा होगा एडिटिंग ठीक है। बिल्कुल, मैंने कहा लाइव चल रहा होगा एडिटिंग। तो ना सीन क्या है ना कि लाइक यहाँ से मान लो कि आप कुछ ये बंदा अगर कुछ एडिट कर रहा होगा तो इसको देख रहा होगा कि क्या एडिटिंग कर रहा है, वो लाइव चलता है वहाँ पे ठीक है। बिल्कुल, बस इसको ऐड करना पड़ेगा है ना। हाँ बिल्कुल, इसका मेल जो होगा मैं दिखाऊंगा, ये डाल करके इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ये एक्सेप्ट करेगा और फिर वो काम कर पाएगा आराम से। ये भी काम कर रहा होगा तो इन दोनों को दिख रहा होगा ऐसा, ये कर रहा होगा तो इन दोनों को दिख रहा होगा, ऐसे ऐड कर सकते हो आप राइट। बिल्कुल, मल्टीपल लोगों को, एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, कुछ डिजाइनिंग वजाइनिंग या मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं ना, तो ऐसा चीज है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने इसको ओपन करा, जैसे आप ओपन करोगे ना इसको, ये नीचे वाला चीज़ें आपको नहीं दिखेंगे ठीक है, बट इस तरह की चीजें कुछ दिखेंगे। आप लॉगिन कर लेना, सिंपल लॉगिन करना, आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन में सेम कहानी है, एंड्रॉइड में इंस्टॉल करना, लॉगिन कर लेना, सारी चीज दिखाई देंगे, खाली मेरे केस में ऐसा एक के बगल में एक दिख रहा है, आपको हो सकता है एक के नीचे एक दिखे रहे फोन में, लेकिन होगा ये सारी चीजें ठीक है। आप देखना यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि लाइक क्या डिजाइन आप करना चाहते हो, ऐसे यहाँ पे सर्च करोगे ना जो भी चीजें, जैसे मान लो मेरे को पीपीटी बनाना है या कुछ भी, यहाँ पे ऑलरेडी लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, देखो आप डॉक्स बनाना चाहते हो, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, मैं जितना भी पीपीटी बनाता हूँ आज के टाइम पे सब यहीं से बनाता हूँ। बिल्कुल, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ बनाना चाहते हो, फेसबुक वगैरह या फिर इंस्टाग्राम वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह से कुछ रिलेटेड, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। वीडियोस वगैरह एडिट करने आप यहाँ से कर सकते हो, प्रिंट प्रोडक्ट कुछ लाइक प्रिंट करने जैसा कुछ अगर है तो आप यहाँ से जाकर वेबसाइट वगैरह डिजाइनिंग, बिल्कुल मैंने कहा ना कि लाइक कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक डिज़ाइन पहले बनता है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, उसका डिज़ाइन बना सकते हो। मोर में जाओगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है राइट, दुनिया भर की चीज़ आपको दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे इसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे इधर, जैसे माइंड मैप हो गया, फोटो क्लिक, आप फोटो भी तो मल्टीपल फोटोज होते हैं ना आपके, मैं तो कुछ भी यूज़ नहीं करता आज के टाइम में, मैं बता रहा हूँ मैं सब कुछ यहीं पर इसी इसी में करता हूँ, मैं दूसरे एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता हूँ कुछ भी चीज़ों के लिए। मैं अगर फोटो वगैरह लाइक मल्टीपल फोटोज हैं एक ही फ्रेम में ऐसे डालना है, फोटो क्लिक वगैरह आपने देखा होगा राइट, तो मैं यहीं से कर रहा होता हूँ। बिल्कुल, एक बात का ध्यान रहे कि इसमें जब आप फोटो डालोगे तो वो अपलोड होगा ठीक है, तो वो कैनवा के क्लाउड में जाएगा, इसीलिए थोड़ा संभल के आप पिक वगैरह अपलोड करना, ये बात सोच करके कि ये मैं पिक अगर अपलोड करता हूँ तो सिक्योरिटी का मुझे नहीं पता। बिल्कुल, इस बात का विशेष ध्यान रहे, तो कुछ पर्सनल पिक होंगे तो आप थोड़ा देख लेना ठीक है, बट कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इसमें अगर आप अपलोड करते हो, जैसे मान लो आप डालोगे ना तो अपलोड करोगे तो क्लाउड में अपलोड होता है, हाँ वहाँ पे डिलीट कर सकते हो वैसे ठीक है, सीधा गैलरी का भी ऑप्शन आता है वहाँ से। फोन के केस में मैंने कहा, फोन के केस में जब आप किसी को भी यूज करोगे, इमेज लगाओगे ना, तो वहाँ पे सीधा गैलरी का ऑप्शन देगा, मैं दिखाऊंगा ठीक है, सीधा गैलरी का ऑप्शन देगा, आप देख लेना ना नीचे गैलरी का ऑप्शन देता है सीधा, कि ऐड करना चाहते हो क्या, गैलरी का ऑप्शन देगा, वहाँ पे क्लिक करोगे इमेजेस खुल जाएंगे, सीधा लगा देना, ऐसा भी हो सकता है ठीक है। बट डेस्कटॉप वॉलपेपर अगर डिजाइन करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ग्राफ वगैरह कुछ है, बुक का कवर वगैरह डिजाइन करने हैं, माइंड मैप बनाने, माइंड मैप आपको पता होगा ठीक है,
आप कोई चैप्टर्स वगैरह कभी नोट्स वगैरह देखे होगे, मतलब लाइक सैम्पल पेपर वगैरह, तो पहला ना एक माइंड मैप होता है, सर्कल बना रहता है फिर इधर से इधर सारे पूरा पूरा टॉपिक वाइज, राइट। या माइंड मैप आपने ये भी देखा होगा लर्निंग पाथ किसी चीज़ का, कि ये बात ये सीखो, ये 3 टाइप्स के होंगे, फिर इसके बाद इधर जाओ, फिर इसके बाद इधर जाओ, वो माइंड मैप कहलाता है ना, आपने देखा होगा। मैगजीन कवर वगैरह डिजाइन कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, आप देख लो, है ना। जूम का वर्चुअल बैकग्राउंड डिजाइन करने हैं, या फिर कैलेंडर वैलेंडर पोस्टर वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे आप देख लो। मतलब लाइक आपको लगता है कि इनवॉइस बिल वेल है ना, तो यहाँ सब डाइट्स बने बनाए मिल जाएंगे बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूँ, बने बनाए मिल जाएंगे बहुत सारे। तो जैसे मान लो यूट्यूब का इंट्रो वीडियो बनाने हैं, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, है ना। बहुत तरह की चीज़ें हैं आप देखोगे यहाँ पे, तो दुनिया भर की चीज़ें, और सबका बना बनाया बहुत सारी चीज़ मिलता है, टेम्पलेट आपको खाली कुछ एडिट करने हैं, बट मैं स्क्रैच से बना के दिखाऊंगा, मैं बना बनाया चीज़ें कभी यूज़ नहीं करता जल्दी, मैं अपनी पसंद से चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आपको डिज़ाइनिंग का नॉलेज है तो आप बना सकते हो, मैं सिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो डेस्कटॉप वॉलपेपर ग्राफ वगैरह ऐसा कुछ, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रहे होंगे। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जाकर सर्च भी कर सकता हूँ, मुझे यूट्यूब का मैं यहाँ पे लिखूंगा आ भी जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप बनाना चाहते हो यहाँ पे डायरेक्ट सर्च मारो, मे बी आ जाने, मैक्सिमम केस में आ जाएगा। देखो यूट्यूब थंबनेल दिख रहा है, सो मैंने क्लिक मारा, और क्लिक मारते ही यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन बने बनाए आ जाएंगे, ये देख लो यूट्यूब थंबनेल बहुत सारे, राइट। आप इसको खाली जाकर चेंज कर दोगे टेक्स्ट वगैरह या इमेज वगैरह, आराम से हो जाएंगे। तो कोई सा भी लाइक, अब इसमें ना जितना भी ये आ रहा है ना, ये साइन ये प्रो, ये इसके लिए पेड करना पड़ेगा, जिसमें नहीं है वो फ्री है, ठीक है। तो पेड वाला ही सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, नो डाउट, है ना, बिल्कुल। तो लाइक आप एक काम करना, यहाँ से क्रिएट ब्लैंक, पूरा का पूरा ब्लैंक जो होता है वो आप खुद से ही सारी चीज़ बनाना चाहते हो, बना बनाया नहीं लेना चाहते, यहाँ पे लो, और इसके बाद यहाँ से भी फिर आने लग जाएंगे, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। यहाँ पे जब आपने सेलेक्ट करा ना, तो ये मेन चीज़, अब आप वर्क स्पेस पे हो, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप काम करने वाले हो, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो डिजाइन पे क्लिक करोगे तो ये देखो बहुत सारी चीजें आ रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। ये फ्री फ्री वाला जितना होगा फिल्टर होकर लगभग आ रहा होगा, यहाँ पे लगभग फ्री वाला ही है, ठीक है, आप देखोगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे ये लेना है, मैंने इस पर क्लिक मारा, ठीक है, गुड, अब देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, और इस पर जाकर के इसको चेंज कर सकते हो, बिल्कुल, मैंने कहा इसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, फेस्टिवल वेस्टिवल रिलेटेड चीजें भी आप सर्च मारोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जाकर के लाइक कुछ भी, मैंने लिखा हाउ टू लर्न, ऐसे ऐसे कुछ भी आप, ठीक है, आप लिख सकते हो। फिलहाल मैं जस्ट इसको बता रहा था, मैंने इसको डिलीट मार दिया पूरा पूरा, ठीक है। कैसे डिलीट करा? अच्छा, मैं बता देता हूँ, लाइक जैसे आप क्लिक करते हो ना कोई भी ये पे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि इस पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन आएगा, इसको सबको डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है। ये हम लोग स्क्रैच से सीखेंगे अभी, टेंशन ना लो थोड़ा। तो ना लाइक इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि लाइक ये डिज़ाइन पे जो भी चीज़ आप बनाने जाओगे उसका बहुत सारा डिज़ाइन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यूट्यूब ये करा था तो यहाँ पे आ गया था, ठीक है, वेल। और जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं हमारा सपोज मान लो इंस्टा ऐसे कुछ भी आप देखोगे, ठीक है, पोस्ट है, स्टोरी वगैरह मैं सर्च करूँ सीधा, ओके, फेसबुक स्टोरी जैसे कुछ करके आ रहा है, ठीक है। आपको बताना चाहिए इंस्टा स्टोरी और फेसबुक स्टोरीज लगभग सेम ही है ना। तो ये देखो ऐसा ऐसा चीज आ रहा है, लाइक आप हायर कर रहे हो या सब कुछ भी, है ना, काफ़ी सही है। अब इस पर खाली जाकर के चेंजेस करने हैं चीज़ों को, है ना। यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट ऐसे क्लिक मारो, चले गए। यहाँ पे जो पेड वाला होगा उसके लिए आपको ये देना पड़ेगा, ये देख लो, आप स्क्रैच से ये बना सकते हो, मैं बनाने के लिए बता रहा हूँ अभी, टेंशन ना लो, ठीक है। बट हाँ, आप देख लो ना लाइक ऐसी चीज़ें हैं, आप इसमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो कुछ भी, राइट, बिल्कुल। आप जूम भी कर सकते हो, यहाँ से जूम भी हो जाएगा, है ना, और एकदम पूरा ये बढ़िया क्वालिटी में एक्सपोर्ट करके देगा ये। तो यहाँ पर जैसे आपने क्लिक करा ना, तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, जैसे मान लो वेबिनार वगैरह, राइट, यहाँ से आप चेंज कर दो अपना जो भी है, राइट। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, आप देखो एक से एक चीज़ आपको मिल रही होंगी, राइट, ये देख पा रहे होगे आप, यहाँ अपना फोटो लगा दो इसको हटा के, कर सकते हो आप ये चीज़ें, है ना, बिल्कुल। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझाने में अच्छे तरीके से, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अब देखो बढ़िया से, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइक आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करोगे ना, कोई भी चीज़, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि फेसबुक का एड आप सोच रहे हो, राइट, बिल्कुल। तो आप जाओ यहाँ पे फेसबुक एड्स वगैरह ऐसा कुछ सर्च मारो, यहाँ पे आ रहा है हालांकि फेसबुक एड्स डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कुछ, और यहाँ पे भी आ रहा है, राइट, सर्च मारोगे, मैं बोल रहा हूँ कि लाइक पहले बना बनाया चीज़ देख लो,
बनी बनाई चीजें है ना, तो आपको ये सब दिख रहे होंगे है ना, बिल्कुल आप देख लो। एग्जैक्टली ये चीज नहीं है जो हम चाह रहे हैं, बट हाँ क्राउजल है, स्लाइड शो है, ठीक है। यहाँ पे आप जाकर के सर्च मारोगे थोड़ा तो मिल ही जाना है कुछ ना कुछ ढंग का, लोगो बनाने या कुछ भी, राइट। तो एक से एक लोगो का डिजाइन मिल जाएगा, खाली उसको चेंज कर दोगे तो कहानी बन जाएगा। तो ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, पर मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से, ये सब मुझे नहीं लेना है, ठीक है। मैं अपने अपने तरीके से डिजाइन करना चाहता हूँ। तो ना आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि चाहे आप थंबनेल यहाँ पे लो या फिर आप यहाँ पे कुछ भी लो, चाहे आप थंबनेल लो, चाहे आप इंस्टाग्राम स्टोरी लो, चाहे कुछ भी लो आप, और फिर यहाँ पे नीचे देखोगे तो लोगो भी जैसे लिया ना, तो यहाँ पे फिल्टर करने का दे रहा है कि आप किसका लोगो बनाना चाहते हो। हॉस्पिटल रिलेटेड तो हॉस्पिटल मैंने क्लिक करा, और ये हॉस्पिटल से रिलेटेड लोगो आपके पास दिख रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल आपको खाली नाम वाम चेंज कर देने। तो सीन ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप लाइक जो भी कर रहे हो, बट यहाँ पे एक ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन मिला होगा कि ब्लैंक ये क्रिएट करना, जैसे लोगो तो ब्लैंक लोगो, इंस्टाग्राम स्टोरी तो ब्लैंक में, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्टोरी पे गया, देखते जाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। फेसबुक स्टोरी से ऐसे मैंने क्लिक मारा, मैं ब्लैंक क्रिएट करूंगा अपना, ठीक है। और अब आप फोकस करोगे अभी जरा, मैंने ये क्रिएट करा एकदम ब्लैंक, राइट। अब देख लो, मैं इसको थोड़ा इधर साइड कर देता हूँ, ओके गुड। अभी देख पा रहे हो, कंफर्म करोगे ये ब्लैंक एकदम पूरा। आप चाहते हो तो किसी को सिलेक्ट भी कर लेते हैं और वहां से डिलीट कर सकते थे। वेल मैंने कहा वहां से डिलीट कर सकते थे, पर ये मेरे को बताएंगे कि ये व्हाइट स्पेस अभी दिख रहा है। मैं अभी सारी चीजें यहां से अपने से खुद सोच सोच करके डालूंगा, मेरे माइंड में कुछ डिजाइन नहीं है पहली बात, जस्ट मैं देखना चाहूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, चीज लगाऊंगा। कंफर्म करो कितने लोग रेडी हो जल्दी से, ये मेन चीज सीखने जा रहे हैं हम, ये भी मेन चीज सीखने जा रहे हैं। मैंने एक बार बता दिया कि लाइक कोई भी चीज आप सर्च करोगे उसका टेम्पलेट आपको मिल रहा होगा, बहुत सारे बने बनाए, ठीक है। आप वहां से जाकर के चीजों को छेड़ सकते हो, राइट। बिल्कुल आप कोई भी चीज क्रिएट करना चाहोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वगैरह भी, ठीक है। इस पे एक पूरा का पूरा 1 महीना का क्लास चल सकता है अगर लाइक आप ऐसे सोच रहे हो, ठीक है। बिल्कुल पूरा डेप्थ में अगर जानना है तो, लेकिन फिर भी मैं एक मोटा मोटी आइडिया दे दूंगा, फिर आप करते करते खुद सीख जाओगे। मैं साइड में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये तो डिजाइन था। यहाँ पे बहुत सारे ना एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं आपको, एलिमेंट्स इज समथिंग लाइक कि फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्वायर लगाना है, फोटो फ्रेम लगाने हैं, कोई ग्रेडियंट लगाने हैं, कुछ आइकन्स वगैरह लगाने हैं, तो ये सब कुछ एलिमेंट्स के अंदर है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगे आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे बुक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च मारूंगा और जरूर से मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अब देख लो ग्राफिक्स, फोटोज, यहाँ पे बुक्स आ गए, राइट। बिल्कुल अब एक बार यहाँ पे जाकर सर्च मारो, लाइक मुझे स्टार चाहिए, तो मैंने सर्च मारा, स्टार आ गए, देख लो, और एनिमेटेड स्टार वगैरह सब, मतलब दुनिया भर की चीज़ें आप, और ये आपको हर चीज़ में मिलेगा। जैसे मान लो यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो या कुछ भी, ब्लैंक वाला क्रिएट करोगे तो साइज का लफड़ा नहीं होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ साइज का लफड़ा नहीं होगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, सुनो ध्यान से, यहाँ पे कस्टम साइज का भी ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे आप जाओगे ना क्रिएटर डिजाइन, इस पर क्लिक करना, और ये पूछेगा कि लाइक आपको क्या बनाने हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने हैं, मतलब जो पॉपुलर है वो यहाँ पे तो राइट आ रहा है, इंस्टाग्राम स्टोरी बनाने हैं, अदरवाइज आप कस्टम साइज पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। कस्टम साइज कहने का मतलब लाइक आपको लगता है कि मेरे को एक साइज पता है और उस साइज का मुझे बनाने हैं, तो आप यहाँ पे पिक्सल में आप डाल सकते हो और एमएम सेंटीमीटर जो भी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं इसको क्लिक मारता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको इस तरीके से ले लिया, देख सकते हो है ना, ये आपको दिख रहा होगा, राइट। एग्जैक्टली आप देखो, आप समझ पा रहे होगे, तो साइज यहाँ से आप ये कर सकते हो, राइट। और जिस भी साइज का आप चाहो उस साइज का भी आप बना सकते हो चीज़ें, मतलब लाइक विड्थ हाइट में आप डाल देना। मैंने कुछ ऑलरेडी यूज़ करा हुआ है तो रिसेंट वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, बट मैं यहाँ से नहीं ले जा रहा हूँ है ना, क्रिएटर डिजाइन, और मैं इंस्टाग्राम स्टोरी क्रिएट करने जा रहा हूँ, ओके फाइन। मैंने क्लिक मारा और ये कुछ ऐसा चीज आ गया है, ये ब्लैंक वाला एकदम से। इसके अलावा मैं और बहुत कुछ है बताने को, यहाँ पे ध्यान से सुनोगे, ब्लैंक वाला मैं क्रिएट कर रहा हूँ, साइड में एकदम बने बनाए डिजाइन आ रहे हैं आप, ठीक है। आप इसमें कुछ चीज़ें चेंज करके आराम से छेड़ सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ स्टाइल्स में यहाँ पे जाना है आप, और यहाँ पे स्टाइल्स है, स्टाइल्स मतलब इसका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया, ठीक है, तो ये देखो ये ऐसा दे दिया, मैं ये लिया, सफल का ऑप्शन है यहाँ पे, आप क्लिक करोगे तो ये अलग अलग चेंज कर करके देगा। पर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ एकदम अपना खुद से स्क्रैच से करूंगा, ठीक है, सुनते जाओ। अब मैं एक एक चीज के बारे में आप बताऊंगा, टाइम लगेगा, बेटर है कि हम लोग यूज करते हैं सीधा, सुनो। सो ये जो चीज है ना, इसका मैं बैकग्राउंड कलर पहले सेट करना चाहूंगा, तो मैंने इसको क्लिक मारा ना, इसको यहाँ पे जाओगे आप, क्लिक मारोगे यहाँ पे, देखो बैकग्राउंड कलर ना, एक तो होता है नॉर्मल प्लेन कलर, एक होता है ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट इज समथिंग लाइक कि एक कलर से चेंज होते हुए दूसरा कलर दिखाई देगा। सो ये सब ग्रेडियंट्स है, इसको मैंने क्लिक करा, ये देख लो इस तरीके का आ रहा है,
ये मैंने क्लिक किया, ये देखो। तो आप ना इस तरीके से आपको जो भी अच्छा लगता है वहां से ले सकते हो, आप छेड़ भी सकते हो कलर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया, आपको कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप इस पर क्लिक मारो। हाँ मैंने कहा आप इस पर क्लिक मारो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर में इसको आप क्लिक मारना और कलर आप चेंज कर सकते हो। एक्चुअली में ये ब्लैक से ये कलर है, देखो ये ब्लैक से ये कलर है, आप इसको चेंज कर दो, क्लिक मारो। जो भी कलर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं आप कर दो यहाँ से, लाइक ये मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे जाकर के आप कलर चेंज कर लो। सपोज मान लो मैं यहाँ पे गया, इस तरीके से कर दिया, राइट। नाउ यू कैन सी, या इस तरीके से कुछ दिख रहा है, तो आप ये चेंज कर सकते हो। ये फोन में भी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फोन में भी सेम चीज आपको दिखाई देगा, देखना सेम चीज आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, टच करोगे इस पर, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड कलर, राइट। हाँ जी, तो ये एक चीज है, बट मैं अभी ग्रेडियंट नहीं लेने वाला, मैं नॉर्मल कलर रखूंगा। और ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, राइट। इस पर क्लिक मारो, और मैं तो एकदम सीधा सीधा वाइट टाइप में जाना चाहूंगा। ओके बिल्कुल, चलो मैंने ये इस तरीके से कर दिया है ना। अभी मुझे क्या है ना कि बेसिकली मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कोई रेस्टोरेंट के लिए मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट के लिए। बिल्कुल, तो फूड वगैरह चाहिए होगा ना। मैं सर्च मारता हूँ, देखो मैं कैसे कैसे यूज करूँगा, एलिमेंट्स में जाकर के फूड सर्च करना है आपको, ठीक है, गुड। तो मैंने ये सर्च करा और कुछ लाइक आएंगे, देखते हैं। अदरवाइज मैं कैसे यूज करता हूँ मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे मैंने सर्च करा, कुछ ढंग का मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो आप ले लो, बट मुझे तो नहीं पसंद। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और गूगल यूज करूंगा इमेजेस के लिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जाकर के सर्च मारता हूँ फूड ऑन प्लेट, मुझे प्लेट में चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ भी गूगल करूंगा, बिल्कुल। और यहाँ पे मैं गया और मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है ये वाला इमेज, राइट। मैं इसको लेना चाहूंगा, बिल्कुल। सो ये देख सकते हो इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव है। ये अगर शतरंज जैसा आ रहा है ना बैकग्राउंड में, तो इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी मूव है। आप सेव कर लेना अपना फोन से अगर आप यूज कर रहे हो तो, ठीक है। बट कंप्यूटर केस में डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन देता है। फोन से कर रहे हो तो आप इसको पहले सेव कर लेना, टच करके रखना इमेज और डाउनलोड कर लेना। अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा तो बिजी रिमूवर, मैंने एक साइट बता रखा है, कई बार आप वहां से जाकर के इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट यहाँ से कॉपी या सेव कर लेना है फोन में अगर आप हो तो। और एक साइट और यूज करना है आपको, बिजी रिमूवर, ठीक है, बिल्कुल, बैकग्राउंड रिमूवर। और यहाँ से जाकर के आप किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, AI टूल है और फ्री है, राइट। हाँ जी, सो मैं कंट्रोल वी कर दिया सीधा, यहाँ पे मैंने सेव भी नहीं करा अपने कंप्यूटर पे, है ना, सीधा मैंने कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट मार दिया, कंट्रोल वी। और अगर आपने फोन में ये करा हुआ है तो आप जस्ट डाउनलोड करोगे, डाउनलोड यहाँ पे आप अपलोड करोगे, अपलोड का बटन आया था अगर आपने देखा हुआ तो, वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो इमेज डाल देना जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा मे बी, ठीक है, और इतना टाइम नहीं लेता है, पता नहीं क्यों ले रहा है। तो मैं इसको रिफ्रेश करके दोबारा से डालना चाहूँगा। ओके, ये आ गया, ठीक है। तो ये देखो बैकग्राउंड ऐसे रिमूव कर देगा। अभी डाउनलोड कर सकते हो, मुझे डाउनलोड नहीं करना, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज, वैसे इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव था। सो मैं यहाँ पे गया यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा सीधा, यहाँ पे पेस्ट भी होता है। बढ़िया दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं इस, अब देखो आपको आपका डिजाइनिंग स्किल भी लाइक मैटर करेगा कि आपको कितना आता है ये सब चीज़ें, ठीक है, क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं। तो मैं जस्ट अपना लगा रहा हूँ, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन आपको बताना चाहिए, डिजाइनिंग रूल होते हैं कुछ, कि आप बहुत ज़्यादा कलर यूज़ ना करो, कुछ प्रोफेशनल कलर यूज़ करो और बहुत कम कलर यूज़ करो लाइक। और यहाँ पे एक मज़े की बात है कि जैसे मान लो ये मैंने एक चीज़ यूज़ कर दिया ना, अब इस पर मैं कलर पे जाऊँगा ना कभी भी, तो ना इससे मिलता जुलता कलर देखो यहाँ पे सजेस्ट करने लगा है। सो ये कैनवा की बहुत अच्छी बात है, ये मिक्स कलर इससे इस पिक से रिलेटेड जो मैचिंग कलर होगा वो यहाँ पे सजेस्ट करने लग गया है, कोई भी चीज़ में अगर आप कलर यूज़ करना चाहोगे तो भी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके गुड, चलो ठीक है। सो मैंने एक ये लगा दिया, और मुझे कुछ और भी इमेजेस चाहिए होंगे। सो मैं ऐसा कुछ और भी ले लेता हूँ, मैं कॉपी इमेज करता हूँ यहाँ से क्योंकि इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव है। ओके गुड, मैंने पेस्ट मारा। ओके ठीक है,
कुछ और सर्च करता हूँ। बेसिकली मुझे इसी तरह का इमेज चाहिए, टॉप व्यू। आप सर्च भी कर सकते हो थोड़ा, ठीक है? आपको सर्च वर्च करने आना चाहिए प्रॉपर, राइट? सो मैं इसको लेता हूँ और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। ओके, कंट्रोल वी प्रेस करा। और ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, कॉपी इमेज, और जाकर के मैं यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है? इसको मैं इधर रखना चाहूँगा, मेरे दिमाग में कुछ है, मैं उसी को जा रहा हूँ, ठीक है? मैंने कभी बनाया होगा तो शायद ऐसा ही कुछ तो मुझे अच्छा लगा होगा, तो मैं जा रहा हूँ उसके साथ। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कुछ और भी लाइक सर्च मारता हूँ, ठीक है? माई फेवरेट चिकन। कोई शाकाहारी हो तो गाली मत देना, ठीक है? और अगर आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव चाहिए तो चिकन डॉट PNG आप सर्च करो, ठीक है? PNG में क्या होगा? अरे भाई डायरेक्ट नहीं लगाना है इसको, ठीक है? चिकन ऑन प्लेट, ऐसा कुछ सर्च तो करने आपको आना चाहिए, ठीक है? आप कुछ लिखो ढंग का तो फिर आपको मिलेंगे। और ऐसे नहीं, कुछ ऐसा चीज मुझे चाहिए। चिकन वगैरह कोई जरूरी नहीं है, जस्ट मैं कुछ सोच रहा हूँ, मिल जाए तो ठीक है, और अगर चम्मच वम्मच भी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट? बिल्कुल, कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे जाकर पेस्ट मारता हूँ। ओके, अब देखोगे, ठीक है? ये बड़े तरीके से रिमूव करता है, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना? बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक इसको सेंटर करता हूँ थोड़ा। ओके, यहाँ पे कुछ टेस्ट लिखूंगा मैं इसी लिए, और ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, को थोड़ा साइड करता हूँ ऐसा कुछ। वेट 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 वेट, चम्मच भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, इसका चम्मच था इसमें, राइट? आ, आ, आ। ओके, 1 मिनट, हाँ जस्ट वेट। ओके, ओके, मुझे उसका एग्जैक्ट से नाम नहीं पता, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कुछ मिल जाए तो ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ दूसरा नाम है क्या उसका, लाइक क्या बोलते हैं उसको जो कांटा वाला चम्मच होता है, उसको जल्दी से चैट में कोई चिपकाओ, मुझे उतना नाम याद नहीं रहता है खाने पीने के केस में, जल्दी से कोई चिपकाओ, जल्दी से कोई चिपका दो। सो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ ना, कि ये इमेज लगाने जा रहा हूँ, ठीक है? किसी कारण से मैंने कॉपी इमेज करा, राइट? बिल्कुल। और मैं जा करके इसमें पेस्ट मारूंगा, ठीक है? देखो, बैकग्राउंड रिमूव करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका अभी तो बैकग्राउंड वाइट ही है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज करते हो, मैं दिखाऊंगा बैकग्राउंड कलर मैं कुछ अभी चेंज करने वाला हूँ, ठीक है? मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा कि लाइक कौन सा बैकग्राउंड कलर अच्छा लगेगा।
ब्लैक टाइप का कुछ आएगा तो शायद मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा ठीक है इसमें। बट हाँ फिर से मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा एक्सपीरियंस लाइक ऐसा है कि मतलब मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ ठीक है, तो आपको भी करके देखना चाहिए लाइक। अब इसलिए जितना भी चीज़ देखते हो ना तो एक बार लाइक देखो उसको है ना। अब इसको आगे पीछे भी मैं कर सकता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। हालांकि फिर मैं इसको यहाँ पर रहने देता हूँ, मैं एक और लगा रहा हूँ कुछ, और इसको मैं लेके जा रहा हूँ नीचे ऐसे ठीक है, थोड़ा राइट ओके ठीक है। बस इतनी लगाना है इसमें भी, ज़्यादा नहीं लगाना है ठीक है, मतलब आप लगा सकते हो आपकी मर्जी। मैं इसमें कलर ना थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ ओके। सो मैं थोड़ा सा ब्लैक में देख सकता हूँ, बहुत गंदा ठीक है, मैंने कहा बहुत ही गंदा, एकदम पसंद नहीं करेंगे आप। लाइक कुछ अलग पीछे डिज़ाइन देख सकते हो, फिलहाल तो ना मेरा पसंदीदा यही वाइट जो है मैं इसके साथ जाना चाहूँगा, और ये वाइट भी नहीं पूरा ही वाइट लगभग। इसमें ना शैडो भी लगता है ठीक है, मैं बता रहा हूँ इन सब में आप शैडो भी लगा सकते हो। फिलहाल इसमें लगाना सही रहेगा कि नहीं, लेकिन मैं लगा के दिखा देता हूँ शैडो ठीक है। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, इस पर क्लिक करोगे ना तो इमेज एडिट करके यहाँ पे एडिट फोटो का एक ऑप्शन आता है, फोन में भी आता है। सो आप फिल्टर भी लगा सकते हो, लाइक आप देख सकते हो इसका थोड़ा अलग स्टोरी, मतलब लाइक अलग तरीके से ये दिख रहा होगा ना फिल्टर लगाने से। और यहाँ पे एक चीज़ है शेडो राइट, बिल्कुल, तो आप ऐसा शेडो भी लगा सकते हो। तो वो तो नहीं, लेकिन ये थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा इसमें भी मैं ट्राई कर लूँ। हाँ बिल्कुल, सो आप ऐसे शेडो क्रिएट कर सकते हो, कर रहे हो तो सबको शेडो लगाओ ठीक है, लगा रहे हो तो। और ये शेडो का कलर वलर भी आप चेंज कर सकते हो है ना, बिल्कुल ये देखो शेडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो टोटली आप पे डिपेंड करेगा लाइक आप क्या करने जा रहे हो क्या नहीं करने जा रहे हो ओके गुड। सो कहानी क्या है कि लाइक अभी मैं ना इस पे एक कुछ लगाऊंगा ठीक है, इसके ऊपर से कुछ कलर वलर चेंज करने के लिए। सो एलिमेंट्स पे जाकर के यहाँ पे सर्च करना है मुझे ग्रेडियंट भाई। ग्रेडियंट क्या होता है, लाइक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का चीज़। हालांकि मैं ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकता हूँ, इसमें इशू नहीं है, पर अभी आप देख सकते हो कुछ ऐसा चीज़ आया है ठीक है। मैं इसको ना रोटेट कर देता हूँ, मतलब ऐसा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगे आप देख लेना, जैसे एक ये भी है राइट ऐसा कुछ। तो जैसे मैं इसको भी हटा देता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को दिखाता हूँ राइट बिल्कुल, और इसको आप और खींच सकते हो ऊपर है ना, आप देख पा रहे हो तो लाइक इस तरीके से राइट। हाँ बिल्कुल आप ऐसे खींच सकते हो, और इसका कलर लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते, ये स्टोरी है इसके साथ है ना। मैंने कहा इसके साथ ये कहानी है कि इसका कलर आप नहीं चेंज कर सकते, यही सेम कलर आपको मिलने हैं। बट अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो इसका कलर चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, आप देख सकते हो है ना बिल्कुल। सो मैं इसको ले सकता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ ऐसे राइट, और सेम चीज़ को ऐसे लाइक रोटेट करके, और ये आने दो नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं थोड़ा जाने दूंगा हल्का ओके कुछ ऐसा, और ये कलर मैं थोड़ा ब्लैक टाइप में ट्राई कर लूँ ओके नो वाइट, मतलब आप देखोगे लाइक कौन सा कलर सही लग रहा है आपको है ना, और उस तरीके से आप जाओगे चीज़ों को। सो ये पूरा का पूरा चीज़ आप ऐसे कर सकते हो, ऐसा कुछ चाहो तो लगा सकते हो है ना। मैं फिलहाल ये रहने देता हूँ अभी ओके गुड। अभी यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट लिख सकते हो अगर चाहो तो बिल्कुल, और ये जो आपको इमेज दिख रहा है ना ये वाला इमेज, आप आपको लगता है कि नहीं ये पूरा पूरा इधर चाहिए, तो यहाँ पे फ्लिप का भी ऑप्शन है ठीक है, देख लो फ्लिप हॉरिजेंटल ये इधर आ गया, देख पा रहे हो बिल्कुल। हाँ आप ऐसे कर सकते हो, फ्लिप वर्टिकल वर्टिकल फ्लिप करना है ऐसे तो आप ये भी कर सकते हो। फिलहाल मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था ओके गुड। सो मैं इसको हटा दिया अभी, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मैं बार बार कह रहा हूँ ठीक है, आप यूज़ करते जाओगे चीज़ों को, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे तो जाकर के अच्छे से समझ में आएंगे। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ऐसे, जस्ट कॉर्नर में चाहिए मुझे तो ओके गुड। सो ये हो गया, और अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, टेक्स्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे वैसे ही, तो मैं ये टेक्स्ट ले लेता हूँ ऐसे कुछ राइट बिल्कुल। सो थोड़ा अलाइनमेंट वगैरह का आप ध्यान रखोगे है ना, यहाँ पे कुछ आप लिख सकते हो कुछ भी, आप देखो लाइक क्या चीज़ें हैं किसके बारे में है ना।
तो मैं कैसे लिखूं? चलो मैं खाना का कुछ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। SBS फूड, दुकान का नाम जल्दी से बताओ मेरा, क्या रखा जाए? दुकान नहीं बोलेंगे इसको, होटल वेटल जो भी आप बोल रहे हो, क्या रखा जाए? SBS फूड भाई। चलो विजिट विजिट हेयर फॉर टेस्टी फूड, क्या क्या लिखते हैं पता नहीं लोग। चलो मैं कुछ भी लिख देता हूँ फिलहाल, मैं से कुछ लिख दिया है। हाँ बिल्कुल, और ये कलर वलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो बिल्कुल भी। जैसे कि ये अगर आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक का कलर कुछ अलग होगा तो आप सेलेक्ट कर लेना वहाँ से, और कलर आप चेंज कर सकते हो। राइट, बिल्कुल। यहाँ में से देखो सजेस्टेड कलर आ रहा है, आप ये सब कलर यूज कर सकते हो क्योंकि ये सब आपका इधर यूज हुआ है, तो आप देख लेना, ट्राई कर लेना। ट्राई करने में क्या ही जाता है। ओके गुड, और ये पूरे का कलर मुझे अलग चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाकर के कलर चेंज कर सकता हूँ, है ना? बिल्कुल। मैंने ये कलर ले लिया, कोई और भी कलर आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। आप इसको बोल्ड करना चाहते हो कंट्रोल भी दबा दोगे, या फिर यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। बट फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है ना, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली मतलब लिखावट का जो स्टाइल है, फिलहाल ये कलर मुझे नहीं चाहिए एकदम नहीं। मैं इस पे गया और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ऐसा कलर में, चलो से मैंने लगा दिया जस्ट, है ना, आप देख पा रहे हो। मैं इसको यहाँ पे सबसे ऊपर में लगा देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे 50% या सेल वेल का ऐसे कुछ मैं सर्च मारूँ तो मिल जाएगा। ओके देखते हैं, सेल ये देखो 35% ऐसे कुछ, ठीक है। तो आप लगाओ, ऐसा कुछ है तो आपके पास, है ना? बिल्कुल, इधर कुछ लगा सकते हो, फिर इधर कुछ लगा सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप लगा सकते हो इस तरीके से। तो ये टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो, ये अलाइन भी यहाँ पे देखो बहुत स्मार्टली, ये देखो लाइन वाइन आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप पकड़ के लगाना तो यहाँ से अब इसके सीधा ही है, राइट? एग्जैक्टली। आपको अपना इमेज वगैरह लगाना है तो आप यहाँ पे अपलोड पे जाओगे, ठीक है, कंप्यूटर के केस में, नहीं तो आपको सीधा गैलरी देगा। बिल्कुल, फोन में अगर आप यूज करो तो सीधा गैलरी का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं ये इमेज यूज करना चाहूंगा, इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव है, सो अगर आपको लगता है ये इमेज आपको कहीं लगाने हैं तो आप लगा दो, ठीक है। ये इमेज एकदम कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है तो मैं नहीं लगाना चाहूंगा इसमें, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आपको लगा कोई फ्रेम वगैरह चाहिए तो फ्रेम भी मैं बता देता हूँ जो मोस्टली आप यूज करना चाहोगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम है, फोटो फ्रेम, आप सर्च मारोगे और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रहे हैं। मैं लिख देता हूँ फोटो फ्रेम ना, थोड़ा सर्च करने में आना चाहिए, नहीं तो ढूंढते ही रहोगे पागल जैसा। यहाँ पे बहुत तरह के फ्रेम आ रहे हैं, मैं फिल्टर मार के लिखूंगा सर्कल फ्रेम, ठीक है ऐसे, और इस तरीके से ये कुछ आ रहे होंगे सर्कल फोटो फ्रेम। ओके सी सेव्स फ्रेम, फ्रेम पे फिल्टर मार दो, सारे फ्रेम आ जाएंगे देखो, ठीक है। तो सर्कल में जितने भी फ्रेम होंगे वो सब मिल जाएंगे आपको। तो ये मैं यहाँ पे लगा दिया और इसको थोड़ा छोटा करके ये फ्रेम को मैंने फिट कर दिया, फ्रेम में मैं इमेज डाल दूंगा, ठीक है ऐसे। चलो यहाँ पे मैं अपना इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, इसको जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, ये देखो इमेज आ गया इसके अंदर, देख रहे हैं आपको? कैसा भी इमेज आप डालोगे इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे खाली सिंपली, तो ये काफ़ी सही है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं खाना वाना बनाने मुझे आता नहीं है, बट फिर भी चलो मैं यहाँ पे डाल दिया इसे, राइट। अब देख पा रहे हो, इसके ऊपर भी कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट लिख सकते हो अगर आप चाहते हो तो, है ना? बिल्कुल। हाँ आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप देख लेना कि कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो नीचे आप लिख सकते हो, है ना? मैं ये पेड वाला है, ये कुछ फ्री भी होंगे, ये प्रो लिखा हुआ है ना तो पेड है, ठीक है। और नहीं तो आप कस्टम अपना यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ पे, और यहाँ से देखो ऐसे कुछ ले लेना आप, ये मैंने इस तरीके से ले लिया और यहाँ पे मैं लगा दिया, राइट। इसका कलर वलर चेंज कर सकते हो यहाँ पे जा करके, कोई सा भी कलर, जो भी कलर आपको सही लग रहा है। आप देखो यहाँ पे नीचे आपने रख दिया है ना, बिल्कुल। आप यहाँ पे रख दोगे ऐसे जो भी चीज़ें हैं, डुप्लीकेट कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन भी है डुप्लीकेट करने का, इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर लगाना है तो उसको भी लगा सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है इफेक्ट का, यहाँ पे जाओगे देखो बैकग्राउंड कलर लग गया, ठीक है। इस पर आप चाहते हो ऐसे लगाना तो आप लगा सकते हो, राइट। अब देख लो, है ना, मैंने ये लगा दिया अभी फिलहाल इस प्रकार से, है ना? बिल्कुल।
इसका ट्रांसपेरेंसी भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करने का, अगर आप ये पूरा कर दोगे, ये देखो ये धीरे 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 ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। आप देखो इसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ, इस चीज को देखो अच्छे से, ये भी पूरा ऑपेक हो चुका है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक आप यहाँ से भी चीजें छेड़ सकते हो, लाइक इसको अगर आपको बड़ा करना है तो आप ये प्लस दबाओगे, ये इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बड़ा होकर के आएगा, है ना, बिल्कुल। ये जैसे आप बाकी चीजों पर काम करते हो, यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। तो ये ऐसे कुछ चीजें बना सकते हो इसको, राइट। आपको लगता है कि नहीं एनिमेट होकर करना चाहिए चीजें, तो ठीक है ना, आपको सब पे एनिमेट एनिमेशन चाहिए तो आप सबको ऐसे सेलेक्ट कर लो। देखो मैंने सबको एक बार सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, गुड। और मैं यहाँ पे जाऊँगा एनिमेट पे, और यहाँ पे देखो ये एनिमेशन है, राइट। हाँ मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसको रहने दूंगा, बाकी आप देख लेना, ठीक है। मैं इसको प्ले करके देखूँ, वाह ये इस तरीके से आ रहा है, आप देख सकते हो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, गुड। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और ये फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बहुत तरह का फॉन्ट है, राइट। आप देखोगे तो बढ़िया बढ़िया फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। कुछ फॉन्ट का नाम मैं बता देता हूँ, बढ़िया बढ़िया फॉन्ट, मॉन्टसेरेट है, पॉपिंस है, ठीक है, ये लाइट रेगुलर जैसा भी चाहिए, मीडियम, है ना, ये सही लगेगा ऐसे। तो इस तरीके से चीज़ें आप लगा सकते हो, और आप देख लो कि एक ऐसा चीज़ मैंने बना दिया। ऐसा और भी आप जो भी चाहो बना सकते हो, इसको थोड़ा मैं कॉर्नर में रख दूँ तो आई थिंक ज़्यादा सही लगेगा। ओके ठीक, नॉट बैड, चलेगा। क्या बोलते हो, कैसा दिख रहा है, एक बार चैट में बता दे, ले ली, मतलब कोई ऐसा माइंड में था नहीं, जस्ट मैंने जल्दी जल्दी बना दिया, ऐसा कुछ कंफर्म करो, सही दिख रहा है अभी, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, नहीं चलो जैसा भी है। सो अब अगर ये अगर आपको यहाँ से देखो, आप शेयर का ऑप्शन है, ठीक है, सी शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाकर के आप ना जिसका भी ईमेल यहाँ पे डाल दोगे ना, वो डायरेक्ट से एडिट कर सकता है इसमें, ठीक है, सीधी बात यही है, ये यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। उसके पास भी कैनवा होना चाहिए, उसका मेल, उसको पास उसके पास मेल जाएगा, एक्सेप्ट करेगा और सीधा वो यूज़ कर पाएगा, ठीक है, इसी को छेड़ पाएगा। आप अपना मेल ड्रॉप कर दोगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, फिर आप इसको देखना छेड़ पाओगे आराम से। पर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी है, राइट, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी ये कर सकते हो, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाने मुझे, और लाइक वो एनिमेशन है ना तो वो MP4 में आएगा, तो आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो वीडियो फॉर्मेट में वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ये देखना अभी। और यहाँ पे ऐसे आ रहा है, देख लो, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो एनिमेट होकर के आएगा वीडियो, समझ रहे हो, बिल्कुल। अब देख लो ये कहाँ पे सेव करना है, ये आ रहा है, मैं सेव मार दिया, सेव हो गया मेरे कंप्यूटर, तुम्हारे फ़ोन पे वो सेव होगा, ठीक है, गैलरी में। सो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे गया, मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे JPG में चाहिए इमेज फॉर्मेट में, आप PDF में भी इसको ये कर सकते हो, राइट। मैं तो फिलहाल JPG में चाह रहा हूँ, या फिर मैं PNG में ले सकता हूँ, ठीक है, PNG या JPG इमेज फॉर्मेट। सो मैंने इसको क्लिक मारा और ये अभी डाउनलोड हो जाएगा। सो इस तरीके से आप चीज़ें बना सकते हो, मैं से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे, किसी दिन फिर ऐसे ही लाइक कुछ और बना बना के मैं दिखाऊंगा तो समझ में आएंगे, बट ऐसे बना बना के सीखो आप, ठीक है, तो जाकर के अच्छे सीखोगे, रेदर देन के आप एक टॉपिक को जाकर देख रहे हो लाइक क्या चीज़ है, जब जिसका जरूरत पड़े आप सर्च करना लाइक वो चीज़ कैसे होगा, तो उनसे जाकर के आप उसको एड करो, दिमाग में लाओ ऐसी चीज़ें चाहिए मुझे। मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि लाइक मुझे क्या बनाने, नहीं बनाने, चलते चलते ऑन द स्पॉट सब कुछ आ गया, तो मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ट्राई कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। आई होप कि कुछ ढंग का सीखे होगे, क्या बोलते हो, जल्दी बताओ, कुछ सीखे ढंग का, एनर्जी जी, कुछ समझ में आया चीज़ें क्या नहीं है, जी सर, बढ़िया। सीखो सर, मेरा पास इसका सब्सक्रिप्शन अच्छा आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, है। जी सर, देन बहुत आपको पहले आप, मैं कुछ करता नहीं सर, लेकिन मैंने ले लिया था ऐसे ही। अच्छा मैं एक बार जब आपको बताया था लाइक उस टाइम पे, अच्छा जी जी सर, वही टाइम पे है सर, सही है, उसी फिर टाइम पे मैंने ले लिया उसमें कुछ था। एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे होंगे आपको, राइट, आप वीडियो एडिट जी वगैरह कर सर, पाओगे वहाँ पे, वॉइस वगैरह जी इंक्लूड कर जी पाओगे, जी जी ऑडियो वगैरह डाल पाओगे, हाँ ऑडियो वगैरह नहीं डालने देता हाँ यहाँ, हाँ
आप वीडियो बना सकते हो प्रॉपर यहाँ पे, मैं कभी बताऊंगा आपको लाइक मैं कुछ मैं करता पूरा। नहीं हूँ सर, ऐसे ही अच्छा मैंने ले रखा। हाँ, कभी टाइम मिले तो आप डेफिनेटली जाओ उसके साथ, दिस इज अ गुड टूल राइट, ट्राई हाँ मारो है ना। जी सर, ओके आई होप। हरिओम जी, कैसा चल रहा है आपका काम धाम, सब बढ़िया, कोई सर बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया सर। प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। आप भी कोलकाता से हो? जी सर, मैंने उस दिन आपको कॉल किया था, भाई किस चीज के की लिए रिगार्डिंग हूँ। मुझे मैंने याद नहीं आ रहा है। बोला मैंने किया था कॉल कि मुझे भाई के लिए क्या कराना है सर, तो ओ या उसने। एग्जैक्टली सो आपका भाई का जी पीसीएम था राइट, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जी जी मैथ्स नहीं था। जी नहीं, मैथ्स नहीं था। तो सीन क्या ना कि लाइक फिर तो स्टोरी ये है कि उन्होंने अगर बायोलॉजी रखा है तो डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट शायद मेडिकल लाइन में होगा है ना। हाँ सर, वो बोल रहा था कि मैं मेडिकल करूँगा, लेकिन मैं आपसे जो क्लास लेता था उसके बारे में, जो आपने ऑर्डिनो पे सिखाया है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने वाह उससे बोला था, मैंने भाई को बोला था कि मैं तुझे, मेरे एक सर हैं, टीचर हैं, उनसे मिलाऊंगा और हो सकता है उनसे सलाह लूंगा, तो अगर वो बताएंगे तो उनके साथ क्लास लेना। तो आपने बोला, फिर उसका उसका भी जो मूड है वो मेडिकल में जाने का है। तो डेफिनेटली आप उसको जाने दो, लाइक वो नीट वगैरह का डेफिनेटली वो तैयारी कर रहे होंगे है ना। जी जी सो मेडिकल लाइन बहुत अच्छी चीज है। मेडिकल में भी वो टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी करके एक चीज होता है राइट। अच्छा सो हाँ जी, एग्जैक्टली, आप थोड़ा बोलना उनको कि एक्सप्लोर करने के लिए इस चीज को मेडिकल में, बायोटेक्नोलॉजी है ना, वो थोड़ा सा देख सकते हैं चीजों को जी क्या है नहीं। सर, जी सर, हाँ बाकी मेरा कोई भी हेल्प चाहिए हुआ कभी भी तो डेफिनेटली अवेलेबल हो राइट। ओके या चलो आप उनको बोलो, वो बढ़िया पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर बायोलॉजी वो ले रखे हैं तो डेफिनेटली वो मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड जी हो। मेडिकल लाइन का बहुत सारा पढ़ाई है, जी एमबीबीएस वगैरह या फिर नर्सिंग वर्सिंग, थोड़ा नीचे अगर आ जाए तो है ना। सर, तो आपकी वो बात, एक बात थी, मैंने आपसे जब क्लास ली थी तो हाँ आपने बोला था कि बच्चे को, बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो सरकार के ऊपर निर्भर ना रहे, नौकरी के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वो मुझे जीवन में याद रहेगी सर। मैंने तभी आपसे कांटेक्ट किया था, हम जानकारी लेके देखें सर से, क्या जानकारी देंगे, सलाह देंगे। हाँ, मैं वही लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक पढ़ाई आप ऐसे चूज करो ना कि गवर्नमेंट अगर बोल दे जी कि मेरे पास सारा जॉब खत्म है राइट, हाथ खड़ा कर जी दे, प्राइवेट कंपनी भी हाथ जी खड़ा कर दे कि यार मेरे पास भी जॉब नहीं है, तब भी इंसान के जी अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए कि जो पढ़ाई आपने करा है उससे एक अच्छा खासा अर्निंग कर सके है ना। मैं हमेशा इस चीज पे फोकस जी करता हूँ और लाइक यही सही है आज के टाइम पे बिल्कुल। सर, आपने जो मुझे पढ़ाया है, हाँ मैं सिर्फ सर 8वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ, ओह माय गॉश आठ। हाँ, और जो आपने मुझे ऑर्डिनो के बारे में पढ़ाया है, मेरे माइंड में 4 साल से चल रहा था कि मैं अपने ट्यूबवेल को, मैं किसान का बेटा हूँ सर, मैं वाह अपने ट्यूबवेल को मोबाइल से चलाऊंगा, सही है फिर मुझे था, लेकिन जब आपने मुझे सिखाया, मुझे पढ़ाया, मैंने वो काम कर लिया, सक्सेस हो गया मैं उसमें। तो फिर तो बढ़िया है ना। और क्या हाँ चाहिए, जो हम चाह रहे हैं, जो हम करना चाह रहे थे एग्जैक्टली वो हो गया, फिर तो कुछ जी राइट, वो एक अलग लेवल की खुशी होती है। लाइक हमने कुछ सोच रखा है माइंड में, हमारा कुछ चल रहा है लाइक ये सीख करके ये चीज जी करना है एंड आफ्टर सम टाइम लाइक आप वो चीज को कर पाते हो, देन डेफिनेटली एक अलग लेवल का खुशी बिल्कुल, मिल रहा होता है राइट, कि मैंने किया खुद से। हो सकता है आपकी बदौलत है जो मुझे, मैं वहां तक अपने टारगेट तक पहुंच गया, वरना नहीं भी पहुंच नहीं नहीं पाता नहीं नहीं सर। नहीं ये मैं तो बस थोड़ा सा आपको हेल्प करा होगा ठीक है। डेफिनेटली आपने ही मेहनत करा है सारी की सारी चीजें ए टू जेड, लाइक आपका सीखने का जो जज्बा है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर इंसान के अंदर ना इंटरेस्ट होना चाहिए। दैट इज नॉट अ मैटर कि आपने कौन क्लास पढ़ रखा है कौन सा नहीं, आपको कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं आता ना आपको तो भी आप कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना। जी मैं हमेशा बोलता हूँ मोटिवेशन वाली सर, बात बस इतनी है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में। इंटरेस्ट है ना तो दुनिया की सारी नहीं, वो एक बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में ऐसा कुछ है ना। जी तो वही कहानी है कि लाइक सर, अगर आप चाहते हो किसी चीज को करना तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग मेरे जैसे आपके साथ आ जाएंगे और फिर आपका हेल्प करेंगे और फिर आप उस चीज को कर भी पाओगे है ना। जी सर, तो आप इंटरेस्ट बना के रखो बाकी है ना। चलो ठीक है, आई जी सर, होप
आज भी कुछ आपने ढंग का सीखा होगा। अब थोड़ा सा ट्राई करो फोन वगैरह में, है ना, और नई नई चीजें सब कुछ करते रहना सही है, राइट। ओके चलो ठीक है, अच्छा लगा बात करके। ठीक है सर, ठीक है। ओके या बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।